इस डेरिवेटिव के आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें अभी हम ये इनवर्स फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एक गिवन फंक्शन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड सच दैट द इनवर्स फंक्शन इज। अब यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो इसका मीनिंग होता है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन्स डी डी एक्स। तो इसे बोलते हैं हम कि डी डी एक्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसे हम बोल सकते हैं कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो है ये एक फंक्शन है एंड सच दैट द इनवर्स फंक्शन, अभी हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। जैसे हमारे पास जो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये फंक्शन हमने लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स है एंड इसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये f शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में जो हो जाता है f इनवर्स, और इसका जो वैल्यू है वो हम बोल सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो ये फंक्शन पहले y में था कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन इज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, दैट इज x इज f इनवर्स ऑफ y। यानी y ये x का फंक्शन है तो x ये इनवर्स फंक्शन होता है y का। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड देयरफॉर दिस x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट। यानी ऐसी जब भी होगा तो इसका इनवर्स फंक्शन ये एग्जिस्ट होता है एंड देन, तो ऐसी जब भी होता है तो देन x इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y एंड इसे हम बोलेंगे कि दिस x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y मीन्स डी डी वाई ऑफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी वाई। तो ये जैसे हमने लिया है कि डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई, तो इसका जो मीनिंग है टोटली अपोजिट है कि जब भी y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है तो इसे बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स एंड देन ऐसे जब भी होता है तो x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y मीन्स डी एक्स बाई डी वाई ये एग्जिस्ट होता है एंड दिस वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इज वन बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो फंक्शन है इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये अगेन डी एक्स बाई डी वाई हो सकता है, बट इस टाइप के फंक्शन को ही हम बोल सकते हैं इनवर्स फंक्शन, बिकॉज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी वाई वी हैव टू मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, बट कंडीशन इज दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर यदि जीरो होता है तो एनी थिंग बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो ये एक थेरम भी है जो यूज होता है इनवर्स फंक्शन में। तो अभी हमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी वाई वी हैव टू टेक वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, या फिर कभी कभी ऐसी हमें हो सकता है कि क्वेश्चन आए फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और इनवर्स फंक्शन दिया है तो हम इसे 1 बाय डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो कंडीशन होगा वो कंडीशन होगा कि दिस डी एक्स बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बट डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है और हमें यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई लेना है तो जो फंक्शन है वो x में गिवन होना चाहिए और हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू y। बट मैक्सिमम एग्जाम्पल में जो गिवन वैल्यू होती है वो y इज इक्वल टू गिवन होती है, जैसे y इज इक्वल टू सपोज साइन x ले लिया तो y इज अ फंक्शन ऑफ x और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x से, जो होता है dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, आंसर होगा cos x एंड 1 बाय दिस cos x इसका जो भी आंसर है, जैसे इसका आंसर होगा sec x तो ये आंसर होगा dx बाई डी वाई का और क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dx बाई डी एक्स बाई डी वाई। तो इसमें इनवर्स फंक्शन के काफ़ी अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन देखते हैं कि जिसका हम इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में हम देख रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट हमें प्रूव करना है
कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देन द वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx इज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. एंड इसका मीनिंग होता है कि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर होता है. तो ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी गिवन दी है कि ये जो y है ये y लाइज करेगा इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्योंकि ये इसका जो है वो रेंज रहता है. जब भी साइन इनवर्स फंक्शन है तो इसमें ये लाइ करता है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में. एंड ये इनवर्स फंक्शन है तो साइन का जो आंसर होता है, जब भी हम साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो इसका आंसर होगा माइनस वन. एंड साइन का वैल्यू, सपोज ये साइन इधर होता, मीन साइन वाई का वैल्यू पाई बाई टू होता तो उसका आंसर वन होता है. बट ये इनवर्स फंक्शन है इसलिए हमने यहाँ पे एक्स का वैल्यू आंसर बताया है कि माइनस वन, यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन इज माइनस पाई बाई टू एंड साइन इनवर्स ऑफ वन इज पाई बाई टू. तो एक्स का जो रेंज है माइनस वन टू वन एंड वाई का है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. तो यहाँ पे ये गिवन है, हमें सिर्फ इसको प्रूफ करना है कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy by dx का वैल्यू 1 by root of 1 minus x square होता है. तो आइए देखते हैं इसका आंसर dy by dx का कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट राइट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x एंड द गिवन कंडीशन ऑफ x एंड y जो भी दी है हम लिख लेंगे. नाउ शिफ्ट दिस साइन ऑन राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो इनवर्स फंक्शन ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन ऑफ y. तो इसे हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लिया है, इनवर्स फंक्शन को साइन को शिफ्ट किया है, तो ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई. एंड नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, बिकॉज साइन का फंक्शन अभी वाई में है. तो इसे डी एक्स बाई डी वाई एंड इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ वाई. यहाँ पे ये वाई में है, ये भी वाई में डिफरेंशिएट है, इसलिए स्टैंडर्ड फंक्शन होगा और इसका सिर्फ हम कॉस ऑफ वाई लेंगे. यहाँ पे इनटू अगेन डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं लेना है, यहाँ पे होगा डी डी वाई ऑफ वाई ने वन, तो वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि ये दोनों वाई में हैं. अब हमें जो आंसर फाइंड करना है वो रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में है. तो ये कॉस को हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ वाई एन इज इक्वल टू वन. एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज वन माइनस साइन स्क्वायर वाई. And therefore, by taking square root, the value of cos of y is plus minus root of 1 minus sin square y. तो ये जो cos y है, इसका जो value है, हमने यहाँ पे लिखा है plus minus root of 1 minus sin square y. ये यहाँ पे हमने use किया है directly. And this plus minus root of 1 minus, we know that value of sin y is x from equation number 1. तो ये sin square y है. तो ये हो जाएगा एक स्क्वायर, तो वन माइनस एक स्क्वायर. यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू मिला है डी एक्स बाई डी वाई का, बट हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स. बट यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन है, हमें चेक करना होगा कि इसमें से इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव. ये डिपेंड करता है कि इन विच क्वाड्रेंट दिस वाई लाइज. ये जो वाई है ये क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे फोर क्वाड्रेंट है, इसमें से किस में लाई करता है. तो जैसे यहाँ पे हमको जो गिवन कंडीशन है कि y lies in between माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो सपोज हम यहाँ पे क्लॉकवाइज जाते हैं, तो यहाँ से क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो ये जीरो डिग्री का एंगल, देन माइनस पाई बाई टू, देन पाई, ये एंगल होता है. और जब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेट होता है एंगल, तो जीरो के बाद यहाँ पे आता है पाई बाई टू, देन स्टैंडर्ड पाई. तो दोनों जो डायग्राम है वो डिफरेंट है. हमने एक ही डायग्राम में यहाँ से एक बार एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से क्लॉकवाइज देखा, तो इसका रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है ये फर्स्ट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के इन बिटवीन लाई होता है. एंड देयरफॉर वी राइट हियर एज वाई लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज इसका जो रेंज है वो है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. तो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू फोर्थ में एंड पाई बाई टू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड देयरफॉर दिस कॉस ऑफ वाई इज पॉजिटिव. यहाँ पे हम ले सकते हैं कि कॉस वाई इज पॉजिटिव बिकॉज वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज प्लस प्लस एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल्सो साइन प्लस एंड माइनस. एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज कॉस, सेकंड इज साइन, फर्स्ट इज कॉस, सेकंड इज
साइन. सो इन बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर दिस कॉस ऑफ वाई इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सो वी टेक द वैल्यू ऑफ दिस dx बाय dy इज पॉजिटिव रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. एंड नाउ by using the inverse trigonometric function definition, the value of dy by dx is 1 by dx by dy. Therefore, dy by dx is 1 by, put the value of this dx by dy, and the value of dx by dy is root of 1 minus x square. So, we get the value of dy by dx. So, students, yahan se hame extended formula hum le sakte hain, jo formula hai, ki if y is equal to sine inverse of x, then the value of dy by dx is 1 by root of 1 minus x square. And in dono ka use karke ek formula form hua hai jo hai ddx of sine inverse of x is 1 by root of 1 minus x square. To ye ek standard formula hai jo sine inverse ka formula hai. Exam mein suppose proof karne ke liye aata hai to ye procedure se aap proof kar sakte hain. Iska ek second formula hai jo hota hai cos inverse of x. तो same procedure से हम cos inverse solve करेंगे, but इसका जो answer होगा, जैसे ddx of sin inverse का 1 by root of 1 minus x square है, same ddx of cos inverse of x का result होता है, minus 1 by root of 1 minus x square. तो ये result आपके लिए एक homework है, जो same procedure आप इसमें use करेंगे, यहां पे जो फंक्शन होगा sin inverse just replaced by cos inverse, then shift this cos inverse in left hand side, we get the value of x is cos of y and apply the same procedure. तो जैसे y equal to sin inverse का result है, cos inverse आपको solve करना है, हम next result ले रहे हैं जो है tan inverse के लिए. Derivative of inverse function का next result हम पढ़ने जा रहे हैं जो है y is equal to tan inverse x. तो जब भी given function है y is equal to tan inverse of x, then the value of this dy by dx is 1 by 1 plus x square. ये हमें proof करना है. इसमें x जो है वो belong करता है r में, and y lies in between minus pi by 2 to pi by 2. अब यहाँ पे जो y है, y is equal to tan inverse of x and x belongs to r, and this y in between minus pi by 2 to pi by 2, ये given function दिया हुआ है जिसमें इसके रेंज x और y के डिफाइन किए गए हैं. तो हमें जो फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव जो है वो dy by dx 1 by 1 plus x square लास्ट में प्रूफ करना है. सो फर्स्ट टेक y is equal to tan inverse of x एंड इनवर्स फंक्शन को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे x का वैल्यू हो जाएगा tan of y. एंड नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y. राइट हैंड साइड में फंक्शन y में है, तो इसे जो डिफरेंशिएशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू y होगा. एंड टेक ddy ऑन बोथ साइड, सो ddy ऑफ x मींस dx by dy इक्वल टू tan का डेरिवेटिव होगा sec square ऑफ y. बट यहां पे जो आंसर चाहिए हमें वो 1 by 1 plus x square है, एंड वी कन्वर्ट दिस sec square इन टर्म्स ऑफ tan, बिकॉज़ हमें x में आंसर चाहिए और tan y का वैल्यू x है. तो जो आइडेंटिटी है sec square का स्टैंडर्ड वो होता है 1 plus tan square of y is equal to sec square of y. तो यहां पे एक आइडेंटिटी यूज किया, देन 1 plus tan of y का वैल्यू है x, एंड ये tan square y है तो वो हो जाएगा x square, एंड देयरफॉर dx by dy is 1 plus x square. एंड बाय इनवर्स फंक्शन द वैल्यू ऑफ dy by dx इज 1 by dx by dy. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव का ये फॉर्म है. तो इसमें जो हमें अभी हमने वैल्यू फाइंड किया है dx by dy का, वो यहां पे पुट करेंगे, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy by dx इज 1 by 1 plus x square. तो यहां पे हमें जो गिवन फंक्शन था वो था y is equal to tan inverse of x, एंड वी डिफरेंशिएट दिस. इसे पहले हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया, फिर डिफरेंशिएट करके फर्स्ट dx by dy का वैल्यू फाइंड किया, एंड dy by dx का रिजल्ट है इनवर्स का 1 by dx by dy, तो इसमें dx by dy का वैल्यू रख दिया, तो हमें इसका आंसर मिला है dy by dx is equal to 1 by 1 plus x square. तो ये जो रिजल्ट हमें मिला है, तो ये एक फॉर्मूला है
जो हम बोलेंगे कि डी डी एक्स ऑफ दिस टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया है जो है डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम जो प्रोसीजर है, एक नेक्स्ट फॉर्मूला होता है जो होता है कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हम प्रूफ करेंगे तो उसका आंसर होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कॉट इनवर्स का फंक्शन है ये सेम फॉर्म में दिया होगा कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंस है कि यहाँ पे टैन इनवर्स में पॉजिटिव होता है एंड कॉट इनवर्स फंक्शन इज निगेटिव। प्रोसीजर सेम होगा कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स लिखना होगा, फिर x का वैल्यू कॉट ऑफ y होगा एंड डिफरेंशिएट करके सेम प्रोसीजर से हमें फाइंड करना होगा। तो ये भी जो एग्जांपल है, ये भी जो रिजल्ट है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क सॉल्व करना है क्योंकि प्रोसीजर सेम है। तो यहाँ पे अभी तक हमने चार रिजल्ट स्टडी किए, जो साइन इनवर्स का जो रिजल्ट था उसका फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन इसके दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। इनवर्स फंक्शन का नेक्स्ट जो रिजल्ट है जो है एक्स वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, जिसका आंसर होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड डिवाइड बाई डी एक्स इज -1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन माइनस 1। बट जो हम रिजल्ट यूज करते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट यहाँ पे हमें दो इसमें प्रूफ करना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। बट हम जब भी रिजल्ट लिखते तो पॉजिटिव ही रिजल्ट लेते हैं बिकॉज हमें पता है, एक नोट में हमने लिखा है कि द डेरिवेटिव ऑफ दिस सेक इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इसके ग्राफ से यदि समझते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे एक हमने ग्राफ निकाला है सेक इनवर्स का, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट लिए हैं 1 एंड -1 एंड एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 1 तो 1 या फिर -1 एंड जो मॉड में है तो इसमें हम दो वैल्यू लेंगे पॉजिटिव निगेटिव, और वाई का जो है बिटवीन 0 to π। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पाए, यहाँ पे 0 to π में ये ग्राफ लाई करेगा, इसके बीच में यहाँ पे एक π/2 पे हमने चेक किया इस ग्राफ को, तो इसका जो ग्राफ जाता है फ्रॉम 1 तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में जाता है और -1 में भी ये इंक्रीजिंग फॉर्म में जाता है। तो ये रफली हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पे सेक इनवर्स का, बट इसमें ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो सेक इनवर्स है ये इंक्रीजिंग होता है एंड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा और सेक इनवर्स का स्टैंडर्ड ये रिजल्ट है। बट एग्जाम में सपोज हमको ये प्रूफ करने के लिए आते हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट और निगेटिव, तो दोनों भी हम कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। जैसे प्रूफ में सबसे पहले हम लेंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसमें जो गिवन कंडीशन है x के और y के लिए वो हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, एंड सेक इनवर्स को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, जिससे x का वैल्यू होगा सेक ऑफ y, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y क्योंकि राइट हैंड में सेक के साथ y है, तो dx by dy का वैल्यू होता है sec into tan, ये y में है तो sec y into tan y। अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है रिजल्ट वो x into root x square minus 1 में है और x का जो वैल्यू है वो है sec में, तो sec को वैसे ही रखना है और tan को कन्वर्ट करना है sec में। तो ये जो सेकंड वैल्यू है वो रूट में है तो tan को हम लिखेंगे root of tan square एंड by using identity, identity होता है 1 plus tan square of y is equal to sec square of y and therefore the value of tan square y is sec square y minus 1। तो root में tan square है तो ये हमने जब भी root लिया यहाँ पे plus minus लेंगे sec y, और root में tan square का value होगा sec square y minus 1 and is equal to plus minus sec y into root of value of this sec y, अभी यहाँ पे sec square है तो sec y का value है x, ये होगा x square minus 1
फ्रॉम इक्वेशन वन या बाय वन। ये डी एक्स बाई डी वाई का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो सेक ऑफ वाई है, ये सेक वाई को हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स, तो यहाँ पे भी हम एक वैल्यू जो लास्ट में लिखेंगे ये होगा एक्स इंटू रूट ऑफ, ये पूरा वैल्यू हम एक बार और लिख रहे हैं कि एक्स इंटू ये हुआ एक्स और रूट ऑफ सेक वाई को भी लिया है एक्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये कंप्लीट जो वैल्यू है जिसे हमने प्लस माइनस एज इट इज़ रखा है, सेक वाई का वैल्यू लिया है एक्स एंड इंटू रूट ऑफ सेक स्क्वायर है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये वैल्यू आया है डी एक्स बाई डी वाई का। बट अभी इसमें से हमें जो वैल्यू लेना है वो चेक करना है कि वाई लाइज इन जीरो टू पाए, और हमें पता है कि जब भी हम ये लेते हैं तो जीरो यहाँ पे होता है पाए बाई टू और यहाँ पे होता है पाए, तो एंटी क्लॉक वाइज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, एंड हमें यहाँ पे सिर्फ पाए बाई टू पे वैल्यू नहीं लेना है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, तो y lies in first और second quadrant, दोनों में से कोई एक quadrant में ये lie करता है। And we know that if first quadrant, यानी first quadrant में भी check करते हैं, तो we know that in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, and in second quadrant sine and cosec, sine and cosec are positive. So in first quadrant all means this sec y and tan y both are positive in first quadrant, because in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, and in second quadrant this sec y and tan y are negative, because in second quadrant only sine and cosec are positive, so this sec and tan both are negative, and therefore this sec y into tan y, अभी यहाँ पे हमें into में function है, तो sec into tan जिसमें दोनों फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव ही होता है, एंड सेकंड में sec और tan दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इनका मल्टीप्लीकेशन sec और tan का पॉजिटिव होगा, एंड सेकंड में निगेटिव इंटू निगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो दोनों का भी जो मल्टीप्लीकेशन है वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने लिखा है sec y into tan y is positive in both first and second quadrant, and also for, अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि सपोज x is greater than 0, यहाँ पे x सपोज greater than 0 है, x यदि 0 से बड़ा रहेगा तो यह वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर वैल्यू में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, एंड देयरफॉर दिस राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन, एंड एक्स लेस देन जीरो, जीरो से लेस वैल्यू आई तो यहाँ पे निगे माइनस वन आ सकता है, निगेटिव वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, जैसे माइनस टू लिया तो फोर माइनस वन थ्री आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन आएगा, एंड लेस देन जीरो के लिए जो राइट हैंड साइड होगा वो निगेटिव साइन कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए साइन पॉजिटिव आएगा और लेस देन जीरो के लिए साइन निगेटिव आएगा, एंड therefore द वैल्यू ऑफ दिस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, इसका वैल्यू आया था प्लस माइनस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका एक वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव और दूसरा एक वैल्यू लेंगे निगेटिव, पॉजिटिव होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए और निगेटिव होगा एक्स लेस देन जीरो के लिए। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है डी एक्स बाई डी वाई का, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सो वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज वन बाई डी एक्स बाई डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स में हम ये वैल्यू रखेंगे तो वन बाय होगा, एक फंक्शन डी एक्स बाई डी वाई का होगा एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड सेकेंड फंक्शन होगा वन बाय दिस माइनस माइनस ऑफ वन बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है, बट इसकी दो वैल्यू है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स की भी दो वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया है कि इफ द वैल्यू ऑफ y इज sec इनवर्स देन द डी वाई बाई डी एक्स इज वन बाई एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड सेकंड इज माइनस वन बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर द कंडीशंस x इज ग्रेटर देन वन एंड x इज लेस देन माइनस वन, बिकॉज यहाँ पे हम वन ले लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और इसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर लेकिन वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन से इसका आंसर जीरो आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये वन से ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू और ये माइनस वन से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया है कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स इज वन बाय एक्स इंटू
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम रिजल्ट आप प्रूव कर सकते हैं, जो होता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स एंड रिजल्ट इज माइनस वन बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेम टाइप से हमको इसे सॉल्व करना है, सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो निगेटिव होगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो जैसे हमने आज जो भी प्रूफ किए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज वन बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स इज वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस सेक इनवर्स इज वन बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसके बेस पे तीन प्रूफ आपको सॉल्व करने हैं, जो है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स। तो ये रिजल्ट जो आज प्रूफ किए उसके बेस पे रिमेनिंग रिजल्ट आप प्रूफ कीजिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे डिटेल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जिस तब तक आप ये फॉर्मूले भी लर्न कर लीजिए जो स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं। सो तब तक मैं सचिन निनावे ईगल आई ट्यूटोरियल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ इसी तरह से आप ये वीडियो देखते रहेंगे, आपका नॉलेज अपडेट होते रहेगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट को तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।